हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप आए हो सिंपल स्वीट किचन में, आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कुछ किचन में काम आने वाली छोटी छोटी टिप्स। किचन का काम बहुत ही आसान कर देती है और बहुत ही यूजफुल होती है, तो आप इसे एक बार जरूर आजमाना, पूरी वीडियो जरूर देखना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पे क्लिक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसी लगी मेरी टिप्स। सबसे हमारी पहली टिप्स है, जैसे हम डाइनिंग टेबल पे टिश्यू पेपर रखते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर को इस तरह रखें तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे गेस्ट आ जाए तो और भी अच्छा लगता है देख के। तो एक ग्लास लिया है, इस पर हम टिश्यू पेपर लगाएंगे इस तरीके से, एक कोने को अंदर डालेंगे और तीन कोने को बाहर रखेंगे। एक एक करके टिश्यू पेपर लगाते जाने हैं, अगर कलरफुल टिश्यू पेपर हो तो और भी अच्छा लगेगा। मेरे पास ये वाइट है। इसी तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते जाना है, देख सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, एक कोने को अंदर डालना है, तीन कोने को बाहर रखना है। देख सकते हो मैंने करीब इसमें 15 टिश्यू पेपर लगा दिए। आप जितना भी चाहे उतना लगा सकते हो। अब इसे पकड़ेंगे, प्लेट लेंगे, इनमें निकाल देंगे। धीरे से ग्लास को निकालना है आपको। देख सकते हो कितना अच्छा गुलाब की तरह कलियां बन गई है। जैसे देखेंगे लोग तो सोचेंगे कि कितने मुश्किल होगा ये गुलाब की तरह सजाना इसे, लेकिन बहुत ही आसानी से बन गया और देखने में इतना अच्छा लगता है। तो आप डाइनिंग टेबल पर रखोगे, वैसे भी आप हमें इसके लिए भी रख सकते हो, और गेस्ट आए उस टाइम पे तो जरूर रखें, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक एक टिश्यू पेपर ऐसे ही लेते जाए, देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हमारी पहली टिप्स थी। दूसरी हमारी टिप्स है, जैसे ये मैंने बोतल ली है, इसमें गर्म पानी के दूध रख सकते हो या चाय भी रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा देर गर्म नहीं रहता, कुछ टाइम में ठंडा होने लगता है। तो लंबे समय कैसे रखें, जैसे छोटे बच्चे हो और हम दिन में तो दूध गर्म करके पिला देते हैं, लेकिन रात में बार बार दूध गर्म करना अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करें, इस बोतल में पहले गर्म पानी करके हम इसमें डालेंगे। तो ये पानी हमारा उबल चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे, इस पानी को हम बोतल में डालेंगे। तो दिन में गर्म पानी डालेंगे, वैसे भी हम गर्म पानी से बोतल धोते हैं, और गर्म पानी से बोतल धोनी चाहिए, दूध की बोतल हो तो, क्योंकि उसमें महक आने लगती है नहीं तो। और अब इसे बंद करके रख देंगे, तो बोतल इस तरीके से होनी चाहिए कि इसमें हवा ना जाए, एयर बिल्कुल अंदर ना जाए। जब तक हम दूध गर्म करेंगे तब तक बोतल में पानी रखेंगे। तो ये मैंने दूध गर्म कर लिया है, दूध को उबाल लिया है, देख सकते हो। गैस को बंद कर दूंगी, देख सकते हो इसमें से धुआं निकल रहे है। अब मैंने पानी को निकाल दिया, इससे क्या होगा कि बोतल हमारी गर्म हो जाएगी, और गर्म दूध डालोगे तो लंबे समय तक दूध गर्म रहेगा। तो बोतल को तुरंत गर्म बंद कर देंगे। अब इस बोतल को आप रात पर रखें, ये दूध गर्म ही हो रहेगा, इसमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहेगा, खोलोगे तो वैसे के वैसे ही गर्म निकलेगा, देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। ये मैं आपको चाय की टिप्स दिखा रही हूँ। जैसे हम चाय बनाते हैं और हमारा ध्यान नहीं रहता, कोई और काम में लग जाते हैं, या कहीं थोड़ा सा भी वहाँ से हटते हैं तो चाय निकल जाता है, जैसे उबाल आने के बाद वो चाय निकलने लगता है। आप कम भी गैस करोगे तभी भी वो बाहर आने लगता है, ज़्यादा चाय हो तो। तो ये क्या टिप्स है, जैसे ये एक ऐसे चम्मच ले और उसे चाय के अंदर रख दे, फिर आप गैस को रख दे, तेज भी रखोगे फिर भी वो चाय उबलता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, इसी तरह उबलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमें परेशानी होती है सुबह सुबह, सुबह हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और चाय भी बनानी होती है, तो हमारा ध्यान नहीं रहता और चाय निकल जाती है। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, इसे आप बर्तन में रख दे और चाय को पकने दे, चाय आप चाय भी बन जाएगी और चाय बाहर भी नहीं निकलेगी। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है, वो बहुत किचन के लिए काम की टिप्स है, तो आप इसे ज़रूर आजमाएं। तो फिर देखिए चाय उबल रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही है, देख सकते हो।
वैसे आप बिना इनके रखोगे तो चाय उबल के बाहर आ जाएगी सारी। और ज्यादा चाय हो तो बड़ा ही बर्तन ले लीजिए। मैंने एक कप चाय बनाई है इसलिए मैंने छोटा बर्तन लिया है। ये मैंने दो डिब्बे लिए हैं, जैसे ये गरम मसाले के डिब्बे हो या अचार के डिब्बे हो, आप अदरक लहसुन रखते हो तो उसमें भी महक बैठ जाती है, या गरम मसाला हो। कोई कभी कभी ऐसी कोई चीज़ होती है जिनमें हम बर्तन को तो धो लेते हैं लेकिन महक नहीं जाती, जैसे चाय हम थर्मोस में भरते हैं लेकिन चाय की महक धो के रख लो, एक आध दो दिन धो जाएंगे और पड़ा रहेगा तो उसमें महक आने लगी। तो आप क्या करें, जो खाली बर्तन हो जो काम नहीं लेना उस टाइम पे, आप इसे खोल के इनमें ये पेपर डाल दो, पेपर से भर दो सारा। इसी तरह पूरा भर के रख लो और फिर देखना बर्तन में आपके कोई भी डिब्बा होगा, कोई भी बर्तन होगा उसमें महक नहीं आएगी, चाहे चाय का थर्मोस भी क्यों ना हो। इसी तरह इनमें भी भर लेंगे। ये अचार का डिब्बा है मेरे पास, है बढ़नी है तो उसमें भी पेपर डाल देंगे सारे। मैं इनमें अचार रखती हूँ तो इसी तरह पूरा भर के रख ले और बंद कर दे, फिर देखना आप जब भी खोलोगे इसमें महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये भी किचन के लिए बहुत अच्छी टिप्स है। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि बर्तन धो के रखते हैं और दो चार दिन होने बाद फिर से वो बर्तन में महक आने लगती है, तो इस तरह रखोगे तो कभी भी महक नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये एक टिप्स है कि हमारे किचन में ये लकड़ी के जैसे बर्तन रहते हैं छोटे छोटे, जिनमें कुछ दिन बाद जैसे साइन चली जाती है, इस तरीके से लगने लगते हैं। तो क्या करना चाहिए, हफ्ता 10 दिन में एक बार इसे तेल लगा के रख लेना चाहिए। ये मैंने तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। इसे लकड़ी के बर्तन में लगा के रख ले, इससे क्या होगा कि फ्रेश रहेंगे, जैसे लगेगा कि नए ही बर्तन है, वो खराब नहीं होगी, चमक वैसी की वैसी रहेगी। तो सारे बर्तनों में इसी तरह लगा के रखना चाहिए। कभी कभी इनमें फंगस जैसा भी लगने लगता है, अगर दो चार दिन इस्तेमाल नहीं करते हो पड़े रहते हैं बर्तन को। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, चॉपिंग बोर्ड हो तो उसे भी आप इस तरीके से करके रख सकते हो, कुछ टाइम ये ऐसे ही रहेगी। हफ्ते 10 दिन में एक बार इस तरीके से कर लेना चाहिए, जिनके ऐसे बर्तन रहेंगे जैसे नहीं हो। देख सकते हो कितनी शाइन आ रही है हल्का हल्का तेल लगाने से। इसी तरह ये लकड़ी के इसमें भी लगा लेंगे, चकले में भी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है जो किचन में बहुत काम आ सकती है। देख सकते हो कितनी साइन आ गई बर्तन में, हमने कुछ भी नहीं किया, बस हल्का सा तेल उसमें लगा दिया है। तो इसी तरह आप छोटी छोटी टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हो किचन के लिए, बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं। तो एक बार ज़रूर आजमाएं, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेटेस्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स घंटी पे क्लिक जरूर करना, मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। अब हम मिलेंगे आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।